कंधों पे मेरे समाज की जिम्मेदारी। मैं समाज में पैदा हुआ, अगर समाज को मैं एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ा पाया तो मेरी जवानी का कोई फायदा नहीं। जब इसने बात मुझे कही तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ कोई तो है और कुछ लोग तो हैं जो कुछ करना चाहते। तो मुझे उस दिन बड़ा गर्व हुआ कि एक साथी तो तैयार हो गया है जो अपने समाज को धोखा नहीं देगा, जो अपने समाज को पीछे नहीं जाने देगा। एक साथी तो तैयार हो गया है जो समाज के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, जो इस समाज को झुकने नहीं देगा। आपने देखा भी होगा, एक समाज के छोटे भाई का अपमान हुआ तो इसका कार्य भी देखा उसमें, मैंने भी देखा वहां बैठ के। मैं मना करता रहता हूं, गुस्सा अच्छा नहीं होता, मगर ये उस दिन गुस्सा हो गया फिर चला गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, कभी कभी स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में प्रदर्शन भी करना पड़ता है कि सामने वालों को एहसास हो। राजस्थान में तो बहुत वीडियो बनती है, जबरन वीडियो बना बना के प्रदर्शन करते हैं कि देखो ये तुम्हारे समाज के हालात है। खैर छोड़ो, उनका एक काम सुधर जाएंगे। एक और बहादुर शेर जो है, जिसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं कम। पहली बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। दूसरी बात, मैं चापलूसी नहीं करता हूं। अगर ये गलत होते मैं दोनों के लिए नहीं बोलता। देखो मैं साफ आदमी हूं, मैं समझता हूं आने वाले 5 साल में, मैंने आज अपने साथियों से भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, एक ऐसा राष्ट्रीय लीडर जिसकी छांव में समाज अपने आप को जैसा पिछले 100 साल में सुरक्षित महसूस नहीं किया, महसूस करेगा, मेरी गारंटी है, याद रखना। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नेता मैं बना रहा हूं, नहीं, वो अपने काम से नेता बन रहा है। आज अगर मुझे दिल्ली में जरूरत होती है ना, मुझे कोई समस्या होती है तो मैं इनको फोन करता हूं कि भाई हिमांशु जी एक परेशानी होगी जरा फोन कर देना, तो वो मुझे सपोर्ट करता है। वो कहता ठीक है भाई, हो जाएगा कुछ देर की बात, किसी को छुड़वाना हो, किसी को कुछ करवाना, तो मैं फोन नहीं करता हूं, ये फोन करते हैं। मैं इनको बोलता हूं कि नेताजी जरा मदद करा दो। तो मैं समझ रहा हूं कि नई लीडरशिप पैदा हो रही है, और मैंने देखा उसका डेडिकेशन। एक दिन मैंने उसको अजमाया तो मैंने उससे एक सवाल छोड़ा उसके आगे, कुछ पैसों वैसों का। तो उसने कहा देखो भाई, हमारे नेता ने हमें बिकना नहीं सिखाया, तो जब हमारे नेता ने सिखाया तो हम लोग तो नहीं बिक सकते। तो मुझे ये भी कंफर्म हुआ कि नहीं, एक और तैयार हो रहा है। तो मैं यही नोटिस कर रहा हूं क्या तैयार हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, ये दोनों शख्स इतिहास इनको याद रखेगा, मेरी बात को याद रखें। मैंने मानवर दीना मानव वाल्मीकि जी को पढ़ा, वो यहीं पैदा हुए और उनकी वजह से मानवर काशीराम साहब मूवमेंट में आए। मैं उनको गुरु का दर्जा देता हूं, क्यों? क्योंकि मानवर काशीराम साहब को उन्होंने दिशा दिखाई, वरना काशीराम साहब तो अपनी जिंदगी जी रहे थे क्लास वन के अफसर होकर। मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा, आपने जिसने पढ़ा ना मेरी रूह तक हिल गई जिस दिन मैंने उनके संघर्ष, उनके जीवन को पढ़ा, उनके किस्से को पढ़ा। जब मैंने उनके दर्द को पढ़ा, वो मेरे यहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे बगरा, और एक कहानी जब मैंने उनकी पढ़ी ना तो मैं सिसक गया, क्योंकि मैं भावुक आदमी हूं, अपने लोगों को अन्याय अत्याचार में देखा मैंने, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने समाज के दर्द को अपना दर्द समझता हूं, अपने दर्द को तो मैं कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं तो आता जाता रहता, तो वो कुछ नहीं होता। मैंने जब उनकी किस्से और उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी आत्मकथा झूठन के रूप में उनकी कहानियां पढ़ी, तो मुझे तकलीफ हुई कि हम कहां थे और आज हम कहां। आप एक बार महसूस करके देखो कि अब से 100 साल पहले हम लोग कहां थे, क्या हम पे मंच था, क्या हम पे आशा बहन जैसी बहनें थी, क्या हम पे बोलने के लिए माइक था, क्या हमें ये आजादी थी। हम ऐसे थे जैसे गुब्बारे, हवा इधर से आई तो इधर हिल पड़े, इधर से आई तो इधर हिल पड़े, ऐसे ही तो थे। हमारा कोई वजूद नहीं था, हम गुलाम थे, जिसको जो मनाए हमें वो कहता था, जिसको जिस मन से आए हमें सींचता था, जिसको जो मनाए उस डंडे से हमें हाँकता था। फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने इस दर्द को समझा, संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया। उनके अथक प्रयासों से इस देश की तमाम महिलाओं को, वो किसी जाति धर्म की, उनका अवसर मिला। आज जो प्रधान से लेकर पार्षद तक हम लोग बनते हैं ना यहाँ, वो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में। कंधों पे मेरे समाज की जिम्मेदारी, मैं समाज में पैदा हुआ, अगर समाज को मैं एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ा पाया तो मेरी जवानी का कोई फायदा नहीं। जब इसने बात मुझे कही तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ कोई तो है और कुछ लोग तो हैं जो कुछ करना चाहते। तो मुझे उस दिन बड़ा गर्व हुआ कि एक साथी तो तैयार हो गया है
जो अपने समाज को धोखा नहीं देगा, जो अपने समाज को पीछे नहीं जाने देगा। एक साथी तो तैयार हो गया है जो समाज के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, जो इस समाज को झुकने नहीं देगा। आपने देखा भी होगा, एक समाज के छोटे भाई का अपमान हुआ तो इसका कार्य भी देखा उसमें, मैंने भी देखा वहां बैठ के। मैं मना करता रहता, गुस्सा अच्छा नहीं होता, मगर ये उस दिन गुस्सा हो गया, फिर चला गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, कभी कभी स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में प्रदर्शन भी करना पड़ता कि सामने वालों को एहसास हो। राजस्थान में तो बहुत वीडियो बनती है, जबरन वीडियो बना बना के प्रदर्शन करते हैं कि देखो ये तुम्हारे समाज के हालात है। खैर छोड़ो, उनका एक काम सुधर जाएंगे। एक और बहादुर शेर जो है, जिसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं कम, पहली बात मैं झूठ नहीं बोलता हूं, दूसरी बात मैं चावलों से नहीं करता हूं, अगर ये गलत होते मैं दोनों के लिए नहीं बोलता। देखो मैं साफ आदमी हूं, मैं समझता हूं आने वाले 5 साल में, मैंने आज अपने साथियों से भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, एक ऐसा राष्ट्रीय लीडर जिसकी छांव में समाज अपने आप को जैसा पिछले 100 साल में सुरक्षित महसूस नहीं किया, महसूस करेगा, मेरी गारंटी है, याद रखना। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नेता मैं बना रहा हूं, नहीं, वो अपने काम से नेता बन रहा है। आज अगर मुझे दिल्ली में जरूरत होती है ना, मुझे कोई समस्या होती है, तो मैं इनको फोन करता हूं कि भाई हिमांशु जी एक परेशानी होगी, जरा फोन कर देना, तो वो मुझे सपोर्ट करता है, वो कहता है ठीक है भाई हो जाएगा कुछ देर की बात, किसी को छुड़वाना हो, किसी को कुछ करवाना, तो मैं फोन नहीं करता हूं, ये फोन करते हैं। मैं इनको बोलता हूं कि नेताजी जरा मदद करा दो, तो मैं समझ रहा हूं कि नई लीडरशिप पैदा हो रही है। और मैंने देखा उसका डेडिकेशन, एक दिन मैंने उसको अजमाया, तो मैंने उससे एक सवाल छोड़ा उसके आगे कि कुछ पैसों वैसों का, तो उसने कहा देखो भाई हमारे नेता ने हमें बिकना नहीं सिखाया, तो जब हमारे नेता ने नहीं सिखाया तो हम लोग तो नहीं बिक सकते। तो मुझे ये भी कंफर्म हुआ कि नहीं, एक और तैयार हो रहा है, तो मैं यही नोटिस कर रहा हूं क्या तैयार हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, ये दोनों शख्स इतिहास इनको याद रखेगा, मेरी बात को याद रखेगा। मैंने मानवर दीना मानव वाल्मीकि जी को पढ़ा, वो यहीं पैदा हुए और उनकी वजह से मान्यवर काशीराम साहब मूवमेंट में आए। मैं उनको गुरु का दर्जा देता हूं, क्यों? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को उन्होंने दिशा दिखाई, वरना काशीराम साहब तो अपनी जिंदगी जी रहे थे क्लास 1 के अफसर होकर। मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा, आपने जिसने पढ़ा तो मेरी रूह तक हिल गई जिस दिन मैंने उनके संघर्ष को, उनके जीवन को पढ़ा, उनके किस्से को पढ़ा। जब मैंने उनके दर्द को पढ़ा, वो मेरे यहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे बगरा, और एक कहानी जब मैंने उनकी पढ़ी ना तो मैं सिसक गया, क्योंकि मैं भावुक आदमी हूं, अपने लोगों को अन्याय अत्याचार में देखा मैंने, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने समाज के दर्द को अपना दर्द समझता हूं, अपने दर्द को तो मैं कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं तो आते जाता रहता, वो कुछ नहीं होता। मैंने जब उनकी किस्से और उनकी जीवनी पढ़ी, उनकी आत्मकथा झूठन के रूप में उनकी कहानियां पढ़ी, तो मुझे तकलीफ हुई कि हम कहां थे और आज हम कहां। आप एक बार महसूस करके देखो कि अब से 100 साल पहले हम लोग कहां थे, क्या हम पे मंच था, क्या हम पे आशा बहन जैसी बहनें थी, क्या हम पे बोलने के लिए माइक था, क्या हमें ये आजादी थी। हम ऐसे थे जैसे गुब्बारे, हवा इधर से आई तो इधर हिल पड़े, इधर से आई तो इधर हिल पड़े, ऐसे ही तो थे। हमारा कोई वजूद नहीं था, हम गुलाम थे, जिसको जो मनाए हमें वो कहता था, जिसको जिस मन से आए हमें सींचता था, जिसको जो मनाए उस डंडे से हमें हाँकता था। फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने इस दर्द को समझा, संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, उनके अथक प्रयासों से इस देश की तमाम महिलाओं को, वो किसी जाति धर्म की, उनका अवसर मिला। आज जो प्रधान से लेकर पार्षद तक हम लोग बनते हैं ना यहां, वो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में।